हे गाइस, वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं बीमार हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया, मैं आज 2 बजे इंस्टीट्यूट में आया हूँ या 3 बज चुके थे, मुझे याद भी नहीं। लेकिन उस समय से अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपना एडिटिंग का काम किया है मैंने। और कल के व्लॉग के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि लास्ट में मैंने वॉल्यूम साउंड क्वालिटी चेक नहीं की। फ़ैन की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैंने आपको दिया है फिल्म का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बता देना, गंदा लगे तो आई एम सॉरी फॉर दिस साउंड क्वालिटी। और रिव्यू अच्छा लगे तो आपको मैंने बोला है वैसे 5 कमेंट्स और 5 लाइक अगर आप देते हो तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉपर रिव्यू। उसी फिल्म का मैं स्टार्टिंग में करूँगा, अच्छे से करूँगा, जहाँ पर मेरी आवाज़ क्वालिटी अच्छा है। और आई होप कि अब भी अच्छी आए क्योंकि मैंने माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन किया है। बिना फ़ैन के तो मैं रह नहीं सकता। गर्मी भी बहुत है, अभी 4 बज चुके और 26 डिग्री टेम्परेचर है, तो फ़ैन तो ज़रूरी है और ये इससे कम नहीं चलता। इतना तो मुझे चाहिए क्योंकि इससे कम किया तो बंद होता है, उसका कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो वो बाद में रिपेयर करेंगे। और रिपेयर से याद आया, मैंने ये माइक जोड़ने के लिए ये पोर्ट मंगाया था अमेज़ोन से, तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा। कल से मेरे पास ऐसे ही हो रहा है। मैंने ये माइक भी मंगाया था लेकिन वो भी नहीं चल रहा, वो भी रिटर्न देना पड़ा एक माइक। फिर ये अभी ये भी रिटर्न जाएगा। तो क्या होता है जब मैं अपने माइक को मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो प्रॉब्लम ये होता है कि अपना आईफोन कवर में रहता है तो वो कनेक्टिविटी में इशू आता है। तो कुछ पतले कवर्स रहते हैं जैसे कि सिलिकॉन, अभी मैं जो यूज़ किया है तो उसमें ये चलता है। लेकिन अगर कुछ इसके अलावा मैं अगर ये रफ़ वाले यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, ये रफ़ एंड टफ है, लेकिन इसकी थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा। इसके लिए कनेक्टर चाहिए, वो मंगाऊंगा मैं। और ये इसीलिए ट्राई किया था कि इससे काम हो, लेकिन नहीं हुआ। अभी देखते आगे क्या होता है। और आज मुझे आते एक काम करना पड़ रहा है, फ्रिज का ये सब मुझे पार्ट क्लीन करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुका है और मैंने इसको बंद करके रखा है क्योंकि इसका आइस मुझे मेल्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें मक्खी चली गई है, तो आई जस्ट वांट टू क्लीन ऑल द थिंग्स। इसके बाद मुझे शायद जाना पड़ेगा मारुति शोरूम में क्योंकि उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया एक्सप्रेसो के लिए। तो अभी अगर होता है मेरे से टाइम, क्योंकि सर्दी की वजह से मैं बेहाल हो चुका हूँ जैसे कि आप लोग मुझे अभी देख रहे हो, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। बट फिलहाल मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते, तो ये देख लीजिए। चलिए hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Just to find somewhere that finally feels like
going to have the test drive of Maruti Expresso. 4 साल पहले शायद मैंने पूछा था कि ऑटोमेटिक आती है क्या उसमें, लेकिन तब नहीं थी और AMT में आती है, तो मेरे चांसेस तो बहुत ज़्यादा लो है कि मैं वो परचेस करूँ. बट फिलहाल तो अभी मैं मैनुअल टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहा हूँ. वो गाड़ी यहाँ पे लेके आए चलान, तो देखते हैं अभी किस तरह से है वो कार. और ये रही अपनी कार यहाँ पे. कुछ इस तरह से कार है गाइस, ये आप देख सकते हो. टेस्ट ड्राइव के लिए आया हूँ मैं ये गाड़ी, इसीलिए ये कार है यहाँ पे, ये टेस्ट ड्राइव के लिए. नाइस है, अच्छा खासा लेग रूम है यहाँ पे. और ये रहा उसका ब्राउशर,